जब बच्चों ने कहा पापा मैं घर आ जाऊं, तो मुझे मालूम है कि जाना मिल गया कि कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा बिल्कुल मत आना, वहीं जमकर देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लो। और एक माँ ने तो ये तक अपनी बेटी से कहा, बेटे से कहा था कि तुम्हारी पीठ पर लाठी एक गोली पड़ेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि तुम्हारे सीने पर गोली लगे। याद रखना, इसी के फोर फाउंडर्स ने देश को आज़ाद कराया था और अब यहीं से आज़ादी की नई लड़ाई का बिगुल बजाए। बहनों, बेटियों, नौजवानों, साथियों और यहाँ बैठे हुए सब सम्मानित भाई और बहन, सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया को, यहाँ के छात्रों छात्राओं को, यहाँ की फैकल्टी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपने वो काम किया है जिसका इंतजार आपके आपकी तारीफ को जानने वालों को पिछले 60-70 साल से था। जामिया मिलिया एक आम पढ़ने पढ़ाने और अपनी जॉब के लिए डिग्री लेने वाला इदारा नहीं था, नहीं है, और अब और ज़्यादा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो नहीं रहेगा। इसी के फोर फाउंडर्स ने देश को आज़ाद कराया था और अब यहीं से आज़ादी की नई लड़ाई का बिगुल बजाए। ये तो तीन कानूनों को रिपील कराने की तहरीक नहीं है, ये देश को कॉरपोरेट और रेसिस्ट फासिज्म से छुटकारा दिलाने की तहरीक है। आप यहाँ तीन नाम देख रहे हैं, एक नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, दूसरा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, तीसरा नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। मैं इन तीनों की आत्माओं का की तरफ से आपको सलाम पहुंचाता हूं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था, ये वो लोग थे जिन्होंने छोटे छोटे इश्यूज पर अपने डिफरेंसेस को अलग रखकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर पूरे देश की तमाम मजलूम ताकतों को इकट्ठा किया था। आज आप फिर एक बार जामिया मिलिया की उसी सरजमीन से आपने आवाज़ दी, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, आपको उस वक्त खुद भी उम्मीद नहीं होगी कि इस आवाज़ पर देश किस तरह लबैक कहेगा। आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कलकत्ता की जाधव यूनिवर्सिटी हो, या देश की जितने भी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस हों, सबसे पहले वहाँ के यूथ, हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो किसी देश की एनर्जी होती है, किसी देश की असल ताकत और शक्ति होती है, वो बाहर निकल आए। और उसके बाद क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या शेड्यूल कास्ट, क्या शेड्यूल ट्राइब, क्या आदिवासी, कौन, ये सब के सब इस वक्त आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर एक साफ ऐलान कर रहे हैं। कान खोल के सुन लें वो तमाम ताकतें जिन्होंने झूठ बोलकर, धोखा देकर, पैसे बांटकर, शराब बांटकर और आपस में लड़ाकर, धोखा देकर देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन जिन आवाम ने आपको सत्ता तक पहुंचाया है, वही आवाम आपको बहुत जल्द सत्ता से उतारने का मजा नहीं चखाया। सलाम सलाम कबूल करो जामिया मिलिया के नौजवानों, और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शाहीन बाग से लेकर ओखला तक की ये तमाम महिलाएं, इन्होंने पूरे देश की महिलाओं का सर ऊंचा कर दिया है। लोग ये समझते थे कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर देश की समस्याओं से कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने छोटे छोटे मसाइल में उभरी रहती हैं। बात ये नहीं है, बात यह है कि हर चीज़ का एक समय होता है और बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है।
बहुत बर्दाश्त किया गया, बहुत इंतजार किया गया कि तुमको खुद अकल आए, बहुत बर्दाश्त किया गया कि तुमको खुद समझ आए, लेकिन जब नहीं हुआ तो देश के नौजवानों ने, देश की महिलाओं ने, देश के बुजुर्गों ने, स्टूडेंट्स ने, लड़कों लड़कियों ने तय कर लिया कि अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम खुद आगे आएंगे, हम लाठियां खाएंगे, हम गोलियां खाएंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं बीमार था, अगर मैं बीमार न होता तो मुझे उस दिन यहाँ आना चाहिए था जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों पर लाठियां चल रही थी, उनके पैर तोड़े जा रहे थे, हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों को मारा जा रहा था, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुस कर, टॉयलेट के अंदर घुस कर, लाइट ऑफ करके वो रिकॉर्ड दुनिया में जुल्म का तोड़ा जा रहा था, जिसके बाद अपने आप को इस देश के नागरिक कहते हुए भी शर्म आती है। हम इस भारत की तारीख को जानते हैं, ये भारत, इसका माजी, इसका पास बहुत अजीम था, और हमारा ईमान है कि इसका भविष्य भी बहुत अजीम होगा। ये दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, ये साइंटिफिक दुनिया में भी, और ये मटेरियल दुनिया में भी, और ये स्पिरिचुअल दुनिया में भी, ये आध्यात्मिक लिहाज से भी ये दुनिया को गाइड करेगा। और नौजवानों, एक राज पास करना चाहता हूँ आपको, हम सब अलग अलग थे, हमें एक करने के लिए खुदा ने अपने अजीब व गरीब अनसीन सिस्टम से इन लोगों को हमारे ऊपर बिठाया है। हम अलग अलग थे, हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारे दरमियान गलत सहमियाँ थी, फासलों को दूर कम करने की कोशिश की जा रही थी, कुछ लोग अनथक कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग एक हो जाएं, लेकिन एक होने में कुछ न कुछ कसर बाकी थी। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बात को, ये खुदा का इरादा है, अनसीन हैंड है उसका, जिसने एक ऐसा इंतज़ाम किया है कि अब क्या लेफ्टिस्ट और क्या मजहबी लोग और क्या यंग और यूथ ब्लड, अब ये सब के सब देश को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और यूं से अंदाज़ा होता है, रात का अंधेरा जब पड़ता है तो इसको देखने वाले दो तरह के होते हैं, कुछ लोग ये देखते हैं, देखकर घबराते हैं कि बहुत अंधेरा हो गया, अब क्या होगा, लेकिन कुछ और लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि जितना अंधेरा बढ़ रहा है उतने ही सुबह रोशन करीब। मैं यकीन दिलाता हूँ, थोड़े दिनों की बात है, हमको और आपको थोड़ी कुर्बानी देनी होगी, और मुझे तो ये कहने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, आपकी चमकती हुई पेशानियों से मुझे बहादुरी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बेटियाँ भी तैयार हैं, बहुएँ भी तैयार हैं, नौजवान बेटे भी तैयार हैं, और मैं सलाम भेजता हूँ उन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चों ने, जिस वक्त यहाँ हालात खराब हुए थे, उनके पेरेंट्स ने जब बच्चों ने कहा पापा मैं घर आ जाऊँ, तो मुझे मालूम है कि जाना मिल गया कि कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा बिल्कुल मत आना, वहीं जम कर देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लो। और एक माँ ने तो ये तक अपनी बेटी से कहा, बेटे से कहा था कि तुम्हारी पीठ पर लाठी एक गोली पड़ेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि तुम्हारे सीने पर गोली लगे। याद रखना हमारे देश में एक ताकत है संविधान की, एक ताकत है दस्तूर की, ये दस्तूर एक एग्रीमेंट है, ये किसी के बाप ने नहीं बनाया था, ये पोलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया था, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने, हमने ये संविधान बनाया था, और हमने ये तय किया था कि अब हम इस देश को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ बराबरी होगी, यहाँ आज़ादी होगी, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ फेथ होगा, यहाँ इक्वलिटी होगी, यहाँ भाईचारा होगा। हमने बहुत दिन तक पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीदें बांधी, और मेरी इस बात को गौर से सुनना, हमने बहुत दिन तक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीदें बांधी कि ये आकर इस देश के संविधान की स्पिरिट और रूह के मुताबिक इस देश को चलाएंगे, लेकिन पार्टियों ने क्या किया मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत है। अब हमको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में साफ कह देना है, ए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अगर
और आप अब भी सड़कों पर ना आए और आपने अब भी इस देश की रूह को, इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश नहीं की, तो फिर किस तरह ये पूरी मूवमेंट चल रही है जिसका कोई अपना अलग बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई लीडर नहीं, उसी तरह हम इस देश में ऐसा पॉलिटिकल इंकलाब भी ला सकते हैं जिसका कोई एक खप्पा जिसके ऊपर नहीं लगा होगा, जिसका झंडा नीले झंडे वाले भी साथ में होंगे, लाल सलाम वाले भी साथ में होंगे और कलमे मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले भी साथ में होंगे, मस्जिदों से भी आवाज़ लगेगी, मंदिरों से भी आवाज़ लगेगी, स्कूलों के, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के मैदानों से भी आवाज़ लगेगी, फैक्ट्रियों के मजदूर भी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। और ये मेरी खुशनसीबी है, आज मैं आपके दरमियान हूँ जिस दिन मजदूरों की तरफ से, मजलूम मजदूरों की तरफ से इस देश में भारत बंद का ऐलान किया गया था। मैं आज इस दुआ के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, इस यकीन दहानी के साथ याद रखिए कि आप ये मत समझिए कि वो जो कि दीनी क़यादत रखते हैं, मैं किसी नाम से क़यादत का नाम नहीं ले सकता, लेकिन लाखों नौजवान उलमा आपके साथ हैं, आप यकीन कीजिए कि आपके साथ हैं, आप देखिए पूरे मुल्क में क्या हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। नौजवानों, मेरी आपसे एक उम्मीद गुजारिश है, बहनों से भी, बेटियों से भी, नौजवानों से भी, कि इस मूवमेंट को ठंडा मत होने देना, इस मूवमेंट को ठंडा मत होने देना। ये सारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, ये भाई, ये सारे लोग, वो पूरी जेएनयू के लोग, जामिया के लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग, ये सारे उठ खड़े हुए तो सारा देश इनके पीछे खड़ा हो गया। मुझे याद आ रहा है 20 अक्टूबर 1929 का वो दिन जिस दिन के इसी जामिया मिलिया की बुनियाद डालने के लिए शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन स्ट्रेचर पर लेट कर आए थे। आखिरी बीमारी का दौर था और उन्होंने उस वक्त यूनिवर्सिटी के नौजवानों से ये कहा था कि मेरी हड्डियाँ किस गम में खोखली हो गई हैं, मैं उन गम का क्या मुदावा ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। नौजवानों से उन्होंने कहा था, नौजवानों से कहा था कि नौजवानों, मुझे तुमसे ही उम्मीद है, आज मैं उन शेखुल हिंद की बात आप तक पहुँचाने की ताकत हासिल कर रहा हूँ, पूरे मुल्क को तुमसे उम्मीदें हैं, बल्कि मैं मुल्क के आगे बढ़कर कहता हूँ पूरी दुनिया में जो अच्छे इंसान हैं मिलियंस और बिलियंस की तादाद में, उनको आपसे उम्मीदें हैं। आपकी तहरीक नेशनल नहीं रह गई, इंटरनेशनल बन गई, पूरी दुनिया की तरफ से आपको भी लाखों कमेंट मैसेज आते होंगे, मेरे पास रोजाना कई हज़ार मैसेज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं उन सब का आपको सलाम पेश करता हूँ, मैं उन सब का आपको पैगाम पहुँचाता हूँ। और एक बात अपने मुस्लिम नौजवानों से ये भी कहना चाहता हूँ, जब से आपकी तहरीक शुरू हुई है, फिराना का सिर्फ कहता हूँ, फिराना का रोज़ाना आपके लिए मक्के और मदीने में दुआएं हो रही हैं, रोज़े अथर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर पर आपकी तरफ से सलाम करा जा रहा है। आप यकीन कीजिए आप कामयाब होंगे और आपकी इस कुर्बानी के नतीजे में इस देश में एक नया मुस्तकबिल रोशन होगा जिसकी पूरी सलाहियत और क्षमता इस देश में मौजूद है। यहाँ और भी बहुत से लोग बात करने वाले मौजूद हैं, मैं पूरी तरह आपको यकीन दिलाता हूँ, जाते जाते एक बात फिर यकीन दिलाता हूँ और इस बात पर फिर माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे शुरू में आना चाहिए था, उसी दिन आना चाहिए था, लेकिन जो हालात होते हैं हर एक के बस में नहीं होते, उसके बाद कैसे ही मौका मिला, मैं पहली फुर्सत में आया और आपने मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठ सकूँ। मुझे उम्मीद है कि इन लम्हों के तो फैल अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करेगा, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बनेगी। जज़ाकुम अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप लोग मीडिया के साथ गुजारिश है, आप जो है जो भी बात करनी है पीछे चले जाते हैं, आप लोग पीछे चले जाते हैं, कार्यक्रम आगे भी चलेगा, तो आप सभा आप तमाम मीडिया के साथ आप पीछे चले जाइए, आपको जो भी देना है पीछे चले जाएगा। Inclap in the first!
मेरी तमाम माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, आप पहले बैठ जाइए, अभी बहुत